आइए स्टार्ट करते हैं एग्जेम्पशंस अंडर चैप्टर कैपिटल गेन्स। सबसे पहला सेक्शन कौन सा? सेक्शन 54। 54 सेक्शन के अंदर आपने क्या बेचा था? आपने रेजिडेंशियल हाउस। क्या खरीदा है? रेजिडेंशियल हाउस। कितने हाउस खरीद सकते हैं? एक, वन। और वो भी कहां पर खरीदना है? इंडिया में। अमेंडमेंट है, सेम 54 एफ में है। 54 एफ में क्या बेचना है? एनी एसेट अदर देन हाउस। और क्या खरीदना है? हाउस। कितने खरीदने हैं? एक। कहां पर खरीदना है? इंडिया में, करेक्ट। 54 बी क्या बेचा आपने? बी में क्या बेचा आपने? यहां पर कौन सी, अर्बन या रूरल या दोनों? क्यों दोनों ले लो ना, क्या हो गया? और खरीदा क्या है आपने? एग्रीकल्चर लैंड। कौन सी, अर्बन या रूरल या दोनों? कहां लिखा हुआ दोनों? तो लिखा तो वहां भी नहीं हुआ था कि बेचा क्या आपने वहां पर। रूरल एग्रीकल्चर एंड कैपिटल एसेट नहीं है। यहां से याद रखिएगा, अगर हम अर्बन बेच के रूरल परचेज कर लें और रूरल को 3 साल में बेच भी देंगे अगर हम, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसे प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? जब आप क्वेश्चन में पूरा कैपिटल गेन निकाल लेंगे एग्जेम्पशन के, उसके बाद सोचेंगे। ओनली आफ्टर दैट यू विल थिंक अबाउट एग्जेम्पशन। नाउ इन दैट सिचुएशन, आप पहले पूरा कैपिटल गेन निकाल चुके हैं, फिर उसके बाद आपको दो बॉक्स बनाने हैं कि आपने क्या बेचा और आपने क्या खरीदा। आपने उन बॉक्सेस से सेक्शन खुलना आपका, क्योंकि उस सेक्शन के बाद आप सोचेंगे कि ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अवेलेबल है या नहीं। इसलिए पहली रिवीजन इस बात की कि ये बेचा ये खरीदा तो कौन सा सेक्शन है। अगर गवर्नमेंट ने आपकी लैंड बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर कर ली तो कौन सेक्शन लगेगा? 54D। अगर शहरों से फैक्ट्री अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट कर दी तो क्या लगेगा? 54G। अगर आपकी फैक्ट्री अर्बन एरिया से एस्टेट में शिफ्ट कर दी तो GA लगेगा वहां पर। अगर आपने कोई भी एस्टेट बेच के रिकिनहाई के बॉन्ड खरीद लिए तो क्या लगेगा? परफेक्ट, आपको खूब अच्छे से याद है। अब जैसे सेक्शन खुलेगा, अब आगे पॉइंट अपने स्टार्ट हो जाएंगे वहां पर। जैसे कि लॉक इन पीरियड, हर सेक्शन में कितने ईयर्स का? वहां पर 3 ईयर्स। लेकिन अगर 3 साल में बेच दिया तो विड्रॉ करने का तरीका अलग है। दो सेक्शन ऐसे हैं जहां पर जो पहले लॉन्ग टर्म था वो लॉन्ग टर्म रहेगा, 54EC और 54F। दो सेक्शन से अगर हम सोचें CGA स्कीम, तो हर जगह पर एप्लीकेबल है, सिर्फ कहां पर नहीं है? 54EC, वहां पर कोई रिटर्न नहीं, सिर्फ डायरेक्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर लेके चलेंगे यहां पर हम। अगर हम सोचें सिचुएशन में तो क्या इन्वेस्ट करना है, तो हर जगह पर कैपिटल गेन है, सिर्फ एक जगह पर NSE 54F के अंदर, करेक्ट। इन पॉइंट्स का ध्यान रखते जाइए साथ साथ अपने सामने। अब इस सिचुएशन के अंदर सेक्शन बाय सेक्शन चलो, 54G स्टार्ट करो। फर्स्ट 54G से पढ़ना। 54G में असेसी कौन होना चाहिए? 54 में कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो, ध्यान नहीं था आपका। आई कॉट यू नैपिंग। सेक्शन 54 इंडिविजुअल HUF, वो जो एसेट बेची थी वो क्या होनी चाहिए थी? लॉन्ग टर्म। आपने आपको कितने टाइम में खरीदना है? कमन 1 2 3 स्टार्ट, बायां हाथ आगे, बायां हाथ आगे। 1 साल पहले, 2 साल बाद, 3 साल बाद। क्या कुछ खा पिया नहीं है क्या कुछ यहाँ पे बेकार? क्या यार क्या ये मजा ही नहीं आया कुछ भी एकदम यहाँ पर। हाँ जी, हमें मकान कब तक खरीदना है? 1 2 3 स्टार्ट। 1 साल पहले या 2 साल बाद? वेरी गुड, जोश में देना है पेपर अच्छे से। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, ध्यान से। नीचे चीयर अप, चीयर अप। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े अगर इसके बाद हम, अगला पॉइंट चेक करो 54B। 54B में ध्यान रखिएगा, 2 साल यूज। 2 साल यूज किसका देखना है? इंडिविजुअल का, अपना प्लस पेरेंट। कौन से पेरेंट्स? हाँ मैं अपने की बात कर रहा हूं, अपने। नो छोटे पापा, नो बड़े पापा, ओनली पापा ही पापा। नहीं, क्या यहां पर दादाजी आपकी फैमिली का पार्ट है? शर्म आती मुझे आपको अपना स्टूडेंट बोलते हुए। आगे पढ़ो इसके बाद यहां पर पॉइंट। हां जी, इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। चलिए आगे देखें इसके बाद, कितने टाइम में खरीदनी है लैंड? 1 2 3 स्टार्ट, बाया हाथ आगे। 1 साल कर लो, यहां भी कर लो। एक नई लैंड बना लो, एक नया ग्रह बना लो।
कितने साल बाद? दो साल बाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट 54D, 54D में ध्यान रखिएगा, सिर्फ डी में नहीं, कभी भी अगर कंपल्सरी एक्विजिशन पर पैसा मिलता है, जब जब जितना जितना पैसा मिलेगा हर एक के लिए अलग से देखेंगे 3 साल। आज मुझे ओरिजिनल कंपनसेशन में 1 लाख मिलता है तो अब से लेके 3 साल, फिर एनहेंस कंपनसेशन मिलता है, वो एनहेंस कंपनसेशन जब मिलेगा वहां से उसके लिए अलग से 3 साल, उसके लिए अलग से सीजी, एवरीथिंग सेपरेटली। ये पॉइंट अच्छे ध्यान रखिएगा, अगर कंपनसेशन मिलता किसी भी सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट ईसी में याद रखिएगा, 6 मंथ सबसे पहले चेक कर लेना है, कोई रिटर्न नहीं, कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 1, नंबर 2, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर और इन द सब्सिक्वेंट ईयर कैन नॉट एक्सीड 50 लाख। लोन पे भी दे दोगे अगर, गिरवी रख दोगे तब भी हम आपके एग्जेम्पशन वापस ले लेंगे। 54F, एफ में मेन पॉइंट इज एनएससी, नेट सेल कंसिडरेशन। याद रखिएगा, हम पूरा पैसा डाल देते हैं, सरकार एग्जेम कर देता है, कम डालेंगे प्रोपोर्शनली आपकी एग्जेम्पशन कम हो जाएगी। 54G, जी में ध्यान रखिएगा, फर्नीचर जो आपने बेचा है ना तो उसका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है और ना ही जो फर्नीचर खरीदा है हम उसके नाम की एग्जेम्पशन देंगे। याद रखिएगा 54G और जीए में, क्योंकि बिजनेस की एसेट्स हैं तो नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। सिर्फ एक एसेट ऐसी है 54G GA में जिसका लॉन्ग टर्म आ सकता है, वो कौन सा है? लैंड का, वो भी 3 साल बेचने अगर हम कहीं से भी कम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आए लाइफ में याद रखिए, जो आज परचेज कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए पहले एक बार को, उसके बिना चुपचाप कैपिटल गेन निकालिए, आप लाइफ विल बी वेरी वेरी इजीली। याद रखिएगा सीए फाइनल तक स्टेप वाइज मार्किंग है, जितना भी आता हो अगर एक लाइन लिखेंगे तो उसमें से एक मार्क मिल सकता है, जो बहुत हेल्पफुल हो जाता है कई बार। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अगर क्वेश्चन 6 नंबर का 8 नंबर का है, आपने कैपिटल गेन करेक्ट निकाल लिया, ब्लॉक था जो भी चीजें थी, तो आपके 3-4 नंबर पक्के हो गए आपके अपने। उसके बाद एग्जेम्पशन की सोचिए कैसे एग्जेम्पशन देनी है। ओके okay?